गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बजाज चेटक 2903 का ओडोमीटर। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैटरी परसेंटेज वगैरह सब कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसके लुक्स देख लीजिए कि लुक्स वाइज कितना बढ़िया लगती है, एंड इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो भी काफ़ी बढ़िया लगती है। इसके आगे की साइड से जो आपको ग्रिल देखने मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है। एंड ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी साइज़ की बात करूँ, इसकी सीट कंफर्ट की बात करें, तो सभी का सभी काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलता है। एंड जो पिलियन सीट होता है, मतलब जो पीछे की साइड में बैठने की यहाँ पे कोशिश करेगा, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाली है ये गाड़ी। ये है बजाज की चेतक 2903। अब अगर आप पूछोगे कि ये गाड़ी मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम अभी हो चुका है। एंड मेरे हिसाब से अब यहाँ पे जो है मैं आपको रिव्यू दे सकता हूँ कि ये गाड़ी किस तरीके से है। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट टाइम रिव्यू जो है वो ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर करके रखा हुआ है, चैनल के ऊपर बना करके रखा हुआ है, तो वो भी आप डेफिनेटली जा करके देख सकते हो। अभी अगर आप में से कोई लोग होगी जिन्हें ये गाड़ी परचेस करनी है, अगर वो इस गाड़ी को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके अंदर की क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अब अगर आप चार्जिंग टाइम की बात करेंगे यहाँ पे इस गाड़ी की, सबसे पहली चीज़ तो वही होती है कि चार्जिंग टाइम कितना लगेगा। तो 0 से लेकर के 80% तक चार्ज होने में इसे लगभग 4 आवर्स का टाइम लगभग लग जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी रेंज की, तो रेंज लगभग 123 किलोमीटर्स के आसपास हमें देखने मिलता है, लेकिन जनरली इतना होता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी हम देखेंगे ना, तो 1% के हिसाब से 1 किलोमीटर, मतलब कि 100 किलोमीटर के आसपास चलनी चाहिए। लेकिन अगर अब जब आप इसे एक्चुअल में यूज़ करते हो, तो लगभग आपको 90 के आसपास इसकी रेंज मिल जाती है। अब डिपेंड करता है कि आपका बैटरी कैपेसिटी कौन सा है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 2.88 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से, वो लगभग आपका 123 किलोमीटर पर चार्ज में आपका जा सकता है। अब इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन एंड ऑफ का बटन है, तो यहाँ से बेसिकली आप ऑपरेट कर सकते हो आपकी गाड़ी को, एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो आपकी गाड़ी के डिक्की को। तो दोनों चीज़ें जो है वो यहीं से आपकी ऑपरेट हो सकती है। अब इसके पीछे ना दो तीन और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, जैसे कि इसके मोटर की पावर कितनी होती है, इसका टॉप स्पीड कितना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके टॉप स्पीड की, तो लगभग 63 किलोमीटर पर आवर का इसका टॉप स्पीड आपको देखने मिलेगा। एंड इसकी जो मोटर की पावर है वो लगभग 4.2 किलोवाट की मोटर की पावर आपको इसके अंदर देखने मिल सकती है। उसी चीज़ से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो जो इसके टॉप फीचर्स रहेगा ना दोस्तों, वो है इसका इंजन कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, ओके, एंड इसका चार्जिंग पॉइंट। उसके साथ में आपको यहाँ पे फ्रंट साइड में DRL मिलता है, मोबाइल कनेक्टिविटी मिलता है विद ब्लूटूथ, क्लॉक का फीचर मिल जाता है, एंड उसके साथ में आपको LED टेल लाइट मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जो स्पीडोमीटर मिलता है वो भी डिजिटल है, ओडोमीटर जो यहाँ पे दिया गया है वो डिजिटल है, एंड उसके साथ में जो ट्रिप मीटर है वो भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डिजिटली देखने मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है ना कि डिजिटली आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी बैटरी परसेंटेज कितना हो रहा है, उसके बाद में आपकी बैटरी कितना चल सकती है, कितना बैकअप आपकी बैटरी आपको यहाँ पर दे सकती है, एंड उसके साथ में आपको यहाँ पर अलग अलग मोड्स दिखते हैं, ड्राइव मोड, न्यूट्रल मोड, रिवर्स मोड एंड हर एक चीज़। तो इस चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने मिलता है। और अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको ट्रिप का भी मीटर मिलता है कि आपने एक बैटरी कैपेसिटी के अंदर कितना टाइम तक इस बैटरी को मतलब यूज़ किया है या फिर चलाया है, ओके। उसके साथ में यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर्स के थ्रू यहाँ पे यह पता चलता है कि आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी कितना है। ग्रीन एंड रेड ऐसे दो मार्किंग दिए गए हैं, क्योंकि ये टोटली डिजिटल है, एंड थोड़ा बहुत एडवांस टाइप इन्होंने करने की कोशिश किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो N का सिंबल, यानी कि न्यूट्रल पे अभी गाड़ी है, इसलिए वहाँ पे N का सिंबल जो है वो लगा हुआ है। और अभी उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे, तो ओवरऑल अगर आप देखते हो, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस करता हूँ, एंड उसके बाद में मैं आपके यहाँ पे जो है ये वाला बटन प्रेस करता हूँ, डी वाला बटन, तो इससे होता यह है कि आपकी जो गाड़ी है वो शुरू हो जाती है, मतलब कि आपकी गाड़ी ड्राइव मोड के अंदर जाएगी। अगर आप ये दोनों बटन साइमल्टेनियसली यहाँ पे दबाते हो, तो दोनों बटन से मेरा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो दबाना पड़ेगा ब्रेक, एंड उसके साथ में आपको डी दबाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने ये सब किया, लेकिन मेरी गाड़ी चालू नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंड है उसे मैंने हटाया नहीं था। जब तक मैं स्टैंड को नहीं हटाता ना, तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन नहीं होने वाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपको समझ चुका होगा कि अगर आप गाड़ी के ऑन करना चाहते हो, तो आपको इसका जो स्टैंड है उसे हटाना पड़ेगा, एंड जैसे ही आप यहाँ पे इसका स्टैंड हटाते हो, तो आपकी गाड़ी आराम से जो है वो चलना शुरू कर देती है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और क्या क्या हमें देखने मिलते हैं, जरा ध्यान से देखिए, तो क्या क्या मिलता है। ड्राइव मोड, ओके, जैसे मैं स्टैंड निकाल देता हूँ ना, तो यहाँ पे ड्राइव मोड जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि अभी हमारी गाड़ी जो है वो चलने के लिए रेडी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके मोटर की पावर की, तो 4.2 किलोवाट की जो मोटर की पावर हमें यहाँ पे देखने मिलती है, एंड जो मोटर का टाइप यहाँ पे हमें दिया गया है वो लगभग BLDC का मोटर दिया गया है।
फ्रंट साइड की हम बात करें ना ब्रेकिंग सिस्टम की, तो वो डिस्क है, एंड रियर का जो है वो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट का भी ऑप्शन जो है वो देखने मिलता है, मतलब यहाँ से आप आपके जो है यूएसबी से मोबाइल डिवाइस को चार्ज कर सकते हो, या फिर आपके टैबलेट होते हैं तो उन्हें भी आप यहाँ से कहीं ना कहीं चार्जिंग कर सकते हो। लेकिन टैबलेट तो खैर कोई लेकर के जाएगा नहीं, लेकिन हाँ मोबाइल अगर चार्ज करना है तो इमरजेंसी के लिए अंदर आप यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग एंड ये वाले साइड में वाटर बॉटल्स भी यहाँ पे आसानी से रख सकते हो, या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब जो है थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बातें करेंगे, जैसे कि इसका अंदर चार्जिंग पॉइंट है तो डेफिनेटली है, इसका ब्रेकिंग टाइप कैसा है तो कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलता है। अब जो है अगर हम बात करना चाहिए यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी मिलता है वो है ब्लूटूथ का, यानी कि आप यहाँ से ब्लूटूथ से भी आपकी डिवाइस को जो है कनेक्ट कर सकते हो। LED टेल लाइट जो होता है इसके अंदर, एंड साथ में आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर, तीनों के तीनों आपको डिजिटल यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब जैसा आपने देखा मैंने चाबी से जो है इसे ओपन किया है, एंड इसका जो डिक्की है मतलब जहाँ से ये चार्ज हो सकती है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेस हमें यहाँ पे दे करके रखी गई है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ पे लेकर के जाए। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये है इसका चार्जिंग वाला सॉकेट। अब जो है यहाँ पे आपको आपका चार्जर कनेक्ट करना है, एंड उसके बाद में आपकी जो डिक्की है वो आसानी से यहाँ पे बंद हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है एक्चुअल में इसे कनेक्ट करना, लेकिन उसे निकालना, उसे वापस फिट करना, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात बहुत से लोगों के लिए हो सकती है, इसलिए वो बैटरी छोड़ करके जो है सीधा इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना प्रेफर करते हैं। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि आपको ये गाड़ी पसंद है या फिर अगर आपको ये गाड़ी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे जो है नज़दीक में जाना चाहते हो, अगर आपका ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, आपका ऑफिस एंड आपका होम ज़्यादा दूर नहीं है, आपका डिस्टेंस ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ज़्यादा आपका ट्रैवल नहीं है एंड आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, ज़्यादा आपको पेट्रोल पे जो है खर्चा नहीं करना है, तो उस केस में आपके लिए ये यूज़फुल है। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट एड का भी बॉक्स मिलता है, तो फर्स्ट एड अगर आपके पास में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी जगह हो जाती है, एंड उसे भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो बताइए कैसा लगा वीडियो।